हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैंकर कपल। अभी आरबीआई असिस्टेंट का एलपीटी आने वाला है और इसके मेल्स का सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो एलपीटी के रिगार्डिंग कुछ एक डाउट्स हैं जो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को होते हैं, और अभी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उन्हें ये डाउट था। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स जो अब आने वाले आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि जो एलपीटी है, जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो काफ़ी सारी स्टेट होती है जिसमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस दी होती है। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स की ये क्वारी थी कि क्या हमें दोनों लैंग्वेजेस में या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस है, तो सारी लैंग्वेजेस में आपको टेस्ट किया जाएगा या फिर आपको किसी एक, जो भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में मराठी एंड कोंकणी इसका ऑप्शन है। अगर हम नागपुर की बात करें तो वहाँ मराठी और हिंदी दोनों का ऑप्शन है। तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं इनमें दोनों में आपको टेस्ट किया जाएगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी भी एक लैंग्वेज में पूरा उसका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ आना चाहिए। जैसे बात करें गुवाहाटी की, तो वहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। तो जो भी एस्पायरेंट्स अभी तैयारी करें उन्हें इस चीज़ का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए नागपुर की बात करें तो मुंबई को अगर हम छोड़ दें तो नागपुर में काफ़ी सारी वैकेंसीज आती है। तो वहाँ पर अगर किसी को मराठी नहीं भी आती है तो आप हिंदी को प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपको हिंदी तो सभी को आती है, तो अगर वहाँ पर नागपुर से आप फॉर्म भरेंगे तो आप इजीली मराठी को स्किप करके हिंदी में एलपीटी दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और अभी जो एस्पायरेंट्स एलपीटी का वेट कर रहे हैं, वो एलपीटी के मेल का वेट ना करें, वो एलपीटी की तैयारी शुरू कर दें अच्छे से, क्योंकि मेल तो एलपीटी का आएगा, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ का माइंड में लोड मत लीजिए कि एलपीटी का मेल कब आएगा। स्पेशली वो एस्पायरेंट्स, वो जिन्होंने सेलेक्ट कर लिया, जिन्होंने मेन्स एग्ज़ाम निकाल लिया है, वो अब इस चीज़ का वेट ना करें। आपकी अगर हिंदी भी है तो भी आप एक बार उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिंदी भी बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं होती स्कूल के बाद। तो इसीलिए आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए 9th और 10th की जो NCERT की बुक्स आती है या फिर जो स्टेट बोर्ड की बुक्स आती है, चाहे वो मराठी की हो, हिंदी की हो, कन्नड़ा की हो, तेलुगु, तमिल, किसी भी लैंग्वेज की हो, आप 9th 10th की बुक्स को एक बार देख लीजिए। क्योंकि जो अनसीन पैसेजेस आते हैं ना, वो जनरली उन्हीं चैप्टर्स में से उठा लिए जाते हैं 9th और 10th की बुक्स में से। तो इसीलिए आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी पूरी रखिए कि जब भी एलपीटी आएगा आप उसे अच्छे से दे पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।